हेलो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय चैनल एन जी मेडिकल्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम टॉपिक दैट इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कई चीजें डिस्कस कर ली थी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था जनाइटल ऑर्गेन चेंजेस जिसमें मेनली हम लोगों ने फोकस किया था वल्वा पे वजाइना पे यूट्रेस पे यूट्रस के कई सारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि आपका बॉडी एस्थेमस एंड सर्विक्स तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया था एस्थेमस में कौन से चेंजेस आ रहे थे सर्विक्स में कौन से चेंजेस आ रहे थे साथ ही साथ हम लोगों ने फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज कवर किया था नाउ वी आर गोइंग टू कवर द अदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस सो चलिए देख लेते हैं तो पहले तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी के अंदर चाहे वो बाहरी बॉडी हो चाहे वो अंदर के ऑर्गेन्स हो कुछ भी चेंजेस आते हैं उनको हम लोग फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बोलते हैं सो अगर ब्रेस्ट की बात करें तो जनाइटल ऑर्गन के बाद ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आएंगे ब्रेस्ट के अंदर कई तरह के मेनली चेंजेस आते हैं जैसे कि साइज इंक्रीज होना पिल का डार्क हो जाना और ज्यादा इरेक्ट हो जाना एरियोला का पिगमेंटेड हो जाना और ब्रेस्ट के अंदर से कुछ सिक्रेशन आना तो सबसे पहले साइज की अगर बात करें तो ऑब्वियसली आपने नोटिस किया होगा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके ब्रेस्ट के अंदर उनका साइज बढ़ने लगता है जब ब्रेस्ट के सेल्स के जो साइज को इंक्रीज होता है उसको हम हाइपर बोलते हैं हाइपर मींस होता है ज्यादा ट्रॉफी मीन्स होता है इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल्स ठीक है तो हाइपर ट्रॉफी क्यों हो रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मदर के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा होता है सो ईस्ट्रोजन का काम क्या है कि वो आपके सेल्स को बढ़ाने का सेल्स के साइज को इंक्रीज करने का काम करता है वो इसलिए क्योंकि अगर आपके ब्रेस्ट का साइज नहीं बढ़ेगा तो अंदर मिल्क का सिक्रेशन कम होगा बड़ा ब्रेस्ट होगा तो अंदर जो है ज्यादा एरिया बनेगा और ज्यादा मिल्क का सिक्रेशन होगा और वो बेबी के लिए अच्छा होता है साथ ही साथ इंक्रीज वेस्कुलरिटी आप सिंपल सी चीज है आपके सेल्स को या आपकी पूरी बॉडी को ब्लड की नीड होती है तभी आपके सेल्स स्ट्रांग होते हैं और आगे फंक्शन करते हैं उसी तरह से जब आपके ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा यानी कि सेल्स का साइज बढ़ेगा तो किसके बेसिस पे बढ़ेगा उनकी वेस्कुलरिटी यानी कि उनके ब्लड वेसल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे जब ब्लड वेसल्स इंक्रीज हुई उसकी वजह से ब्रेस्ट के सेल्स को ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिला और उन्होंने अपना साइज बढ़ा दिया जब ब्लड वेसल्स इंक्रीज होंगी तो वो थिक हो जाएंगी मोटी हो जाएंगी तभी तो ब्लड ज्यादा से ज्यादा पास होगा ना तो कुछ इस तरह से शो होंगी यानी कि ब्लूइश कलरेशन ऑफ दी ब्रेस्ट देखने को मिलेगा साथ ही साथ अब ब्रेस्ट में जब एनलार्जमेंट हो गया है उनका साइज बढ़ गया है तो ऑब्वियसली उनका वेट भी बढ़ जाएगा जिसकी वजह से मदर को पेन होना शुरू हो जाएगा ब्रेस्ट के अंदर सो ये थे साइज ऑफ द ब्रेस्ट में तो मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट का साइज क्यों बढ़ता है मेन पर्पस क्या है कि अगर ब्रेस्ट का साइज नहीं बढ़ेगा तो उसके अंदर का एरिया नहीं बढ़ेगा एरिया नहीं बढ़ेगा तो अंदर कम मिल्क का प्रोडक्शन होगा मिल्क का ज्यादा और सफिशियंट प्रोडक्शन होने की वजह से या होने के लिए ब्रेस्ट अपने आप को प्रिपेयर करता है और अपना साइज बढ़ा देता है साइज बढ़ाना मीन्स हाइपर ट्रॉफी हाइपर ट्रॉफी मीन्स क्या होता है हाइपर मीन्स इंक्रीज ट्रॉफी मीन्स द साइज ऑफ द सेल्स अगर सेल्स के साइज बढ़ रहा है तो सिंपल सी चीज है उसको ब्लड की नीड होगी ज्यादा से ज्यादा ब्लड की नीड होगी जिससे कि वो अपने आप को बढ़ा सके तो इंक्रीज वेस्कुलरिटी तो हालांकि ब्लड वेसल्स भी ईस्ट्रोजन के बेसिस पे यानी कि ईस्ट्रोजन को इंक्रीज हो रहा है इस वजह से ब्लड वेसल्स भी अपना साइज बढ़ा रहे हैं अब ब्लड वेसल्स जब अपना साइज बढ़ा देंगे तो वो ऊपर ही से दिखने लगेंगे ब्लूश डिस्कलरेशन हो रहा है और एनलार्जमेंट की वजह से पेन हो रहा है नेक्स्ट आ जाते हैं निपल्स तो निपल्स भी अपना साइज इंक्रीज करते हैं तो उनके अंदर में एनलार्जमेंट होता है साथ ही साथ वो आपको इरेक्ट यानी कि शार्प देखने को मिलते हैं क्यों क्योंकि उन्होंने अपना साइज बढ़ा दिया है पिगमेंटेड देखने को मिलेंगे यानी कि काफी सारे पिगमेंट होल्स देखने को आपको छोटे छोटे ब्रेस्ट के निपल्स में मिल जाएंगे अब ब्रेस्ट के निपल्स में होल्स क्यों होते हैं सो सिंपल सी चीज है so, अगर ब्रेस्ट के निपल में होल्स नहीं होंगे या पोर्स नहीं होंगे तो ब्रेस्ट का जो मिल्क बनेगा वो बाहर कैसे आएगा ठीक है तो वो निपल के जो होल्स हैं वो भी अपने आप को बड़ा कर लेंगे पिगमेंटेड हो जाएगा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा पिगमेंटेड होने का पर्पज क्या है कि ये जो पिगमेंट है इनके अंदर सीबासीशियस ग्लैंड होती हैं वट इज दिस सीबासीशियस ग्लैंड ये एक तरह की ग्लैंड होती हैं जो कि म्यूकस प्रोडक्शन का, का काम करती हैं। तो अगर सिबासशियस ग्लैंड अपना साइज नहीं बढ़ाएंगी तो वो म्यूकस भी नहीं बढ़ाएंगी म्यूकस नहीं बढ़ाएंगी तो मदर का जो ये निपिल है वो ड्राई हो जाएगा और ड्राई चीज में इंफेक्शन जल्दी लग जाता है क्योंकि ग्लैंड के अंदर जो म्यूकस है उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है कितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है पांच से पंद्रह आपके सिबासीशियस ग्लैंड देखने को मिल रही है इन ईच ब्रेस्ट नेक्स्ट आ जाते हैं एरियोला एरियोला यानी कि कौन सा एरिया है आपका ये ब्लैकिश ब्राउन या पिंकिश ब्राउन एरिया अराउंड द निपल ये जो स्किन आपको देख रही है इसी को हम एरियोला बोलते हैं अब देखा जाए तो प्रेग्नेंट वोमेन के आसपास का जो एरियोला है वो आपको काफी हद तक पिगमेंटेड देखने को मिलता है इन बड़े बड़े पिगमेंट्स को ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं इनको हम लोग मॉन्ट ग्यूमेरिट्यूबरकल्स बोलते हैं मॉन्ट ग्योमेरिट्यूबरकल्स 12 से 20 होते हैं अराउंड ईच ब्रेस्ट के अंदर कब हो रहा है इंक्रीज टू मंथ में ये अपने आप को एनलार्ज कर लेते हैं इनका भी मेन पर्पस क्या है इनके पास सिबसीशियस ग्लैंड होती है जो कि म्यूकस सिक्रेशन यानी कि कुछ सिक्रीट करती है वो सिक्रेशन आपके ब्रेस्ट के निप्पल्स को और एरियोला को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है और ड्राई होने से भी बचाता है इसके अलावा जो कलर है वो भी काफी हद तक डार्क होने लगता है और पिगमेंटेड होने लगता है डार्क क्यों हो रहा है क्योंकि अंदर मिलानिन यानी कि एक तरह का केमिकल है सॉरी हार्मोन है जो कि इंक्रीज हो रहा है मिलानन आपके बॉडी के कलर को डिफाइन करता है अगर आप बहुत ज्यादा डार्क हो इसका मतलब मिलानन आपके अंदर ज्यादा है अगर आप बहुत ज्यादा फेयर हो इसका मतलब बहुत कम मिलानन आपके अंदर मिल मिल रहा है या थोड़ा ठीक है मिलानन आपके अंदर तो आप कैसे लग रो लग रहे होंगे ना ज्यादा गोरे और ना ज्यादा काले ठीक है तो मिलानन क्यों बढ़ रहा है क्योंकि ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है और जब ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो वो आपके मिलानन के लेवल को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देता है तो कुछ इस तरह से मिलानन इंक्रीज हो रहा है और आपका एरियोलर डार्कन हो रहा है नेक्स्ट आ जाते हैं सिक्रीशन पे तो सिक्रीशन मेनली 12 से 16 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी में ही एक ऐसा हल्का सा सिक्युएशन आना स्टार्ट हो जाता है जैसा कि आप देख सकते हो इसका कलर येलो है ये बहुत थिक होता है और इसका नेम है कोलेस्ट्रम हम कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रम फर्स्ट मिल्क होता है जो कि मदर के निपल से बाहर आता है मदर के निपल से फर्स्ट मिल्क बाहर आता है जो कि बहुत थिक होता है मोटा होता है और येलो कलर का होता है इसको हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं सिंपली क्यों रिलीज हो रहा है अब आप सोच रहे हो कि अभी तो मदर ने डिलीवरी करी नहीं है ये तो 12 वीक्स में ही रिलीज होने लगा या 16 वीक्स में ही रिलीज होने लगा तो इसका मेन पर्पस है कि ये आपके निप्पल को एक तरह से ड्राइनेस से बचाए इस वजह से ये रिलीज होने लगता है बहुत ही ज्यादा एक ड्रॉप या थोड़ा सा ज्यादा रिलीज होता है कब जब कोई वोमेन जो होती है प्रेग्नेंट होती है तो इसको हम साइन ऑफ दी प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं क्यूटेनियस चेंजेस या आप कह सकते हो स्किन चेंजेस स्किन चेंजेस में बहुत सारे साइंस देखने को मिलते हैं जैसे कि आप इस वुमेन को देख रहे होंगे इसके आईज के और नोज के आसपास एक बटरफ्लाई साइन है इसको हम लोग क्लोजमा ग्रेविडरम बोलते हैं स्ट्रे ग्रेविडरम क्या होता है ये आपके पे स्ट्रेच मार्क होता है और ये प्रेजेंट प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है यानी कि जब कोई वोमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसकी स्किन इतनी ज्यादा स्ट्रेच होती है कि मार्क आ जाते हैं पिंकिश कलर के स्ट्रेच मार्क को हम लोग स्ट्रे ग्रेविडरम बोलते हैं और वाइटिश कलर के स्ट्रेच मार्क को हम स्ट्रे एल्बिक्स बोलते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे तो चलो सबसे पहले फेस की अगर बात की जाए तो फेस में क्लोजमा है, इसको हम लोग बटरफ्लाई साइन भी बोलते हैं क्यों क्योंकि एक तरह का बटरफ्लाई देखने को मिल रहा है ये आता क्यों है? क्योंकि आपके अंदर प्रोजेस्टोरॉन लेवल बढ़ता चला जा रहा है जिसकी वजह से स्किन में चेंजेस आते हैं नेक्स्ट एबडोमिन की अगर बात करें तो एबडोमिन में आपको ये बहुत लंबी सी एक लाइन देखने को मिल रही होगी जो आपके नीचे वाले टमी से स्टार्ट है एकदम ऊपर की तरफ इसको हम लोग लीनिया नेग्रा बोलते हैं नेग्रा वैसे तो नॉर्मली भी आपके टमी पे होती है लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो उस टाइम पे लीनिया नेग्रा अपने आप को डार्क कर लेती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मिलानन मिलानन की वजह से ये बस डार्क हो जाती है ऐसे ये आपके एबडामन पे प्रेजेंट होती है नॉर्मली भी So, किस तरह की है ये ब्लैकिश ब्राउन कलर की या ब्राउनिश ब्लैक कलर की पिगमेंटेड लाइन है जो कि जीफॉइड प्रोसेस या कि और इसे हम एपी, जीपी स्टर्नम भी बोलते हैं यानी कि ये वाला एरिया ये वाला एरिया ठीक है आपके चेस्ट बोन का जो लास्ट वाला एरिया है इसको हम लोग जीफॉइड प्रोसेस बोलते हैं यहीं से ये लाइन स्टार्ट हो रही है कहां तक जा रही है नीचे आपके लोअर एबडोम तक जा रही है यानी कि आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी कि सिम्फाइसिस प्यूबिक तक जा रही है कमर की हड्डी के आगे वाले जोड़ तक जा रही है नेक्स्ट है आपका स्ट्रेई ग्रेविडरम जो कि मैंने आपको बताया स्ट्रेच मार्क होता है ताजे मार्क होंगे तो वो पिंकिश कलर के होंगे जो कि इंडिकेट करेंगे प्रेजेंट प्रेगनेंसी को स्ट्रेई ये एक तरह के स्ट्रेच मार्क होते हैं ये व्हाइट कलर के होते हैं और ये पुराने यानी कि प्रीवियस प्रेगनेंसी को इंडिकेट करते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं स्पाइडर वेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये एक तरह का स्पाइडर का क्या दिख रहा है जाल टाइप का दिख रहा है ठीक है इसलिए इसको स्पाइडर वेन्स बोलते हैं ये स्पाइडर वेन्स क्यों बन रही है ये एक तरह का साइड इफेक्ट है प्रेगनेंसी का और बहुत टेम्परेरी होता है और सॉल्व हो जाता है आफ्टर गिविंग बर्थ ठीक है आफ्टर बर्थ बेबी के बर्थ के बाद ये अपने आप ही सॉल्व हो जाता है इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की नीच नहीं होती है ये हो क्यों रहा है क्योंकि आपके ब्लड वेसल्स अपना साइज बढ़ा रही थी ईस्ट्रोजन की बेसिस पे ईस्ट्रोजन साइज बढ़वा रहा है साथ ही साथ प्रोस्टकलैंड भी साइज बढ़वा रहा है इन सब चीजों का जिसकी वजह से आपके वेन्स प्रोमिनेंट हो जा रही हैं घनी हो जा रही हैं और देखने को आराम से मिल रही हैं नेक्स्ट आ जाते हैं पालमर इधमा पालमर इधमा मींस क्या होता है ये एक तरह का कह सकते हैं कि रेडनेस होती है जो कि आपके हैंड्स के पाल में यानी कि हथेलियों में देखने को मिल सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी समटाइम्स इसमें बहुत ईचिंग भी होती है कभी कदार और हो क्यों है क्योंकि आपका ईस्ट्रोजन लेवल आपके वेन्स का साइज बढ़ा रहा है जिसकी वजह से जो आपकी पतली पतली कैपिलरीज होती हैं जो कि वेन से बाहर आती हैं वो इस तरह से देखने को मिलती हैं डिलीवरी के बाद ये अपने आप ही डिसअपीयर हो जाता है इसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती नेक्स्ट है वेट गेन तो कितना वेट गेन नॉर्मली एक प्रेग्नेंट वुमन करती है 11 केजी नॉर्मली एक प्रेग्नेंट वुमन अपना वेट गेन करती है 1 केजी फर्स्ट थ्री मंथ में फाइव के जी सेकेंड थ्री मंथ में और फाइव के जी थर्ड मंथ में यानी कि इलेवन के जी टोटल हो गया ठीक है अगर कोई वोमेन इलेवन के जी वेट गेन नहीं कर रही है तो हो सकता है उसका बेबी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है या तो मदर एनिमिक हो सकती है और अगर मदर ज्यादा से ज्यादा वेट गेन कर रही है बहुत ज्यादा वेट गेन कर रही है इसका मतलब मदर के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूड है जो पानी भरा हुआ है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है जो कि बच्चे के लिए अच्छा नहीं है नेक्स्ट आ जाते हैं यूरिनरी सिस्टम चेंजेस अब सिंपल सी चीजें मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि जब आपका यूट्रस अपना साइज बढ़ाता है तो वो आपके यूरिनरी ब्लैडर को दबाता है कंप्रेस करता है जिसकी वजह से क्या हो रहा है अब ईस्ट्रोजन लेवल तो बढ़ ही रहा था तो उसने क्या किया किडनी के साइज को भी बढ़ा दिया यूट्रस ऑटोमेटिकली बढ़ ही रहा है क्योंकि उसके अंदर प्लासेंटा है एमनियोटिक फ्लूड है और उसके अंदर बेबी भी है यूट्रस जब अपना साइज बढ़ा रहा है तो वो ब्लैडर को यूरिनरी ब्लैडर को दबा रहा है दबाने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर में लग रहा है कि थोड़ा सा यूरिन फिल होता है और यूरिन ब्लैडर दब जाता है दबने की वजह से मदर को बार बार यूरिन पास करने की अर्ज होती है और वो बार बार वॉशरूम जाती है यूरिन पास करने के लिए वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो रही थी ब्लैडर भी बढ़ रहा है साइज बढ़ा रहा है लेकिन मस्कुलर टोन उसकी डिक्रीज हो रही है क्यों क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर कंप्रेस हो रहा है आपके यूट्रस नेक्स्ट है आपका स्केलेटल सिस्टम चेंजेस यानी कि आपके बॉडी में बोन्स में क्या क्या चेंजेस आ रहा है पहले तो लोडोसिस हो रहा है लोडोसिस मीन्स होता है जब आपकी ये बैक बोन जो कि आपके कमर के पास ये वाली एरिया है वो बहुत ज्यादा कर्व हो जाती है इसको हम लोग लोडोसिस बोलते हैं मेनली ये नाइन मंथ में होती है क्योंकि नाइन मंथ में मदर का बेली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से उसका प्रेशर बैक एरिया पे पड़ता है और बैक एरिया इस तरह से कर्व हो जाती है जिसको हम लोग लोडोसिस बोलते हैं नमनेस हो सकती है लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है मदर को कभी कदार डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है यानी कि पेन होगा क्योंकि नाइन मंथ के बाद जब उनको कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जब मदर को कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो उस टाइम पे पेन हो सकता है है आर्म में वीकनेस लग सकती पैल्विक्वाइंट रिलैक्स हो सकते हैं ईस्ट्रोजन अगर प्रेजेंट है अच्छे से तो क्यों क्योंकि वो ज्वाइंट को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है कौन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन क्या कर रहा है लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है लिगामेंट्स क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जो कि बोन को बोन से ज्वाइन से करके रखती है साथ ही साथ मदर को पेन होगा जब जब उसको कॉन्ट्रेक्शन आएंगे और बैक पेन भी होगा क्योंकि बैक में बहुत प्रेशर पड़ रहा है नर्वस सिस्टम चेंजेस अब बहुत सारी मदर जो कि पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं कि उनका फिगर खराब हो रहा है तो वो इमोशनली स्ट्रेस्ड हो जाती हैं साथ ही साथ वो डिप्रेस भी होने लगती हैं और उनको इरेटेबिलिटी होती है क्योंकि अंदर हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं मदर के फिगर में चेंजेस भी आ रहे हैं मदर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है वो नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर पा रही है नॉर्मल अपना डेली का स्कीड्यूल फॉलो नहीं कर पा रही है इस वजह से जो पहली बार मदर्स होती हैं प्राइमरी मदर्स उनमें ये नर्वस सिस्टम चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो दिस ऑल अबाउट फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टिल नर्वस सिस्टम बाकी ऑर्गेन्स के फिजियोलॉजिकल चेंजेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स टिलइस